नमस्कार दोस्तों, मैं शाहिद अहमद, आप देख रहे हैं देश के तेजी से बढ़ते हुए एटीवी न्यूज चैनल। आज हम आए हैं अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के बिजनौरा गांव में। यहाँ बिजनौरा गांव में एक परिवार है, उस परिवार में एक बच्चा था। लगभग एक साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ गांव में। इनका पता, इनका कहना है कि एक बीजेपी के एक नेता थे, उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद में बच्चे को ये हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में जो सैद नगरी लेकर के आए, सैद नगरी में मना कर दिया गया कि यहाँ इसका इलाज नहीं हो पाएगा। उसके बाद में ये संभल लेके गए, कई जगह लेके गए, लेकिन कोई इलाज इनका नहीं हुआ। फिर किसी तरीके से इनको जो ज़मीन थी थोड़ी बहुत, वो ज़मीन बेच करके उस बच्चे के इलाज में लगा दी। लेकिन आज भी ये परिवार दुखी है और बहुत ज़्यादा परेशान है ये परिवार। तो आज ये लोग हमारे पास में आए हैं, क्योंकि कभी ये इनका कहना है कि हम विधायक के पास में गए हसनपुर, तो हसनपुर वालों ने कह दिया कि आप शायद नगरी जाइए, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। नगली आते हैं तो नगली से कह दिया जाता है कि आप बीजेपी विधायक के पास में जाइए, यहाँ हमारा कोई रोल नहीं है। अजी एंड ये हुआ कि फिर ये शायद नगली आते हैं, उन्होंने कहा कि आप रेफर के कागज लेकर के आइए। बहुत सारी चीज़ें इनको बता दी गई, लेकिन कोई भी इन पर जो है ना, इनकी कार्रवाई आगे तक नहीं पहुँची, नहीं किसी भी मंत्री या नेता ने कोई इनकी मदद नहीं की। तो आइए हम इनसे, जो एक बच्चा है मासूम, इनके जो ये महिला है, इनके गोद में जो बच्चा है, इन्हीं का बच्चा है, और ये उनके जो फादर हैं इस बच्चे के, अब इनके जवानी हम सुनते हैं कि इनके साथ में क्या क्या। हाँ जी, आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम राजीव है। जी राजीव जी, क्या हुआ? पूरी कहानी, पूरा मैटर अपना विस्तार से बताइए। जी सर, ये 7 साल का बच्चा है मेरा। जी, ये जैसे सड़क पर से निकला, बाइक वाला आया, क्या टक्कर हो, जिसने टक्कर मार के एकदम फरार हो गया। होता वो काम पे था, लेकिन मुझे काम कहा था, लेकिन हमने सोचा कोई बात नहीं, काम कहा बच्चे को दिखा लेंगे। बच्चे को दिखाया तो यहाँ नगली में नगली वालों ने मना कर दिया। फिर नगली से संभल देखे, संभल वालों ने मना कर दिया, बोले यहाँ दे। फिर हम मुराद सिद्ध में लेके मुरादाबाद, मुरादाबाद जाकर उन्होंने बोला कि आप कैसे होगा, 7 दिन में पैसे लेगा, बोले 1.5 लाख रुपये लेगा। दूसरे में जब हमें कुछ चंदा मारा गाँव में से, किसी ने 500 दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 200 दिए, इस तरीके से ऑपरेशन हो गलत, तो अब दोबारा ऑपरेशन होगा, मैं पैसा है वो पास होगा।